आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इस गाने से पॉपुलर हुई वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की। वहीदा रहमान और देवानंद की जोड़ी काफ़ी हिट रही थी। हिंदी सिनेमा में उनकी फिल्म CID में ही वहीदा रहमान ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। 85 साल की एक्ट्रेस की चर्चित फिल्मों में प्यासा, गाइड, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद, खामोशी जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीदा रहमान और देवानंद की जोड़ी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि सिनेमा घरों के बाहर उन दोनों की एक झलक पाने के लिए पिक्चर में लोगों का तांता लगा रहता था और टिकट की खिड़कियां कभी भी खाली नहीं रहती थी। वहीं एक किस्सा है कि वहीदा रहमान को एक बार एक फिल्म में शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए बोला गया था, जिससे उन्होंने साफ मना कर दिया था, जबकि वो फिल्म उन्हें अच्छी खासी पॉपुलैरिटी दिला सकती थी। वहीदा रहमान ने हर फिल्म में अपने एक्टिंग और विमेन सेंट्रिक किरदारों से लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई। आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के पर बनने वाली मूवी मेड इन इंडिया का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया था, जिसे नितिन कक्कड़ डायरेक्ट करेंगे। इसमें फिल्म इंडस्ट्री की पूरी यात्रा को दर्शाया जाएगा।